पेड़ लगाओ रे, पौधे लगाओ रे, पेड़ लगाओ रे, पौधे लगाओ रे, पानी देकर बाड़ लगा कर इनको बढ़ाओ रे। पेड़ लगाओ रे, पौधे लगाओ रे, पेड़ लगाओ रे, पौधे लगाओ रे, पानी देकर बाड़ लगा कर इनको बढ़ाओ रे। पानी देकर बाड़ लगा कर इनको बढ़ाओ रे। पेड़ लगाओ रे, पौधे लगाओ रे, पेड़ लगाओ रे, पौधे लगाओ रे, पानी देकर बाड़ लगा कर इनको बढ़ाओ रे। पानी देकर बाड़ लगा कर इनको बढ़ाओ रे। सांस सभी की चलती इनसे, फूल और फल भी मिलते इनसे। सांस सभी की चलती इनसे, फूल और फल भी मिलते इनसे। देते हैं ये छांव सभी को, इनको बचाओ रे। देते हैं ये छांव सभी को, इनको बचाओ रे। पेड़ लगाओ रे, पौधे लगाओ रे, पेड़ लगाओ रे, पौधे लगाओ रे, पानी देकर बाड़ लगा कर इनको बढ़ाओ रे। पेड़ लगाओ रे, पौधे लगाओ रे, पेड़ लगाओ रे, पौधे लगाओ रे, पानी देकर बाड़ लगा कर इनको बढ़ाओ रे। पानी देकर बाड़ लगा कर इनको बढ़ाओ रे। पर्यावरण की करते रक्षा, स्वस्थ जीवन को देते हैं सुरक्षा। पर्यावरण की करते रक्षा, स्वस्थ जीवन को देते सुरक्षा। पशु और पक्षियों की खातिर इनको उगाओ रे। पशु और पक्षियों की खातिर इनको उगाओ रे। पेड़ लगाओ रे, पौधे लगाओ रे, पेड़ लगाओ रे, पौधे लगाओ रे, पानी देकर बाड़ लगा कर इनको बढ़ाओ रे। पानी देकर बाड़ लगा कर इनको बढ़ाओ रे। पेड़ लगाओ रे, पौधे लगाओ रे, पेड़ लगाओ रे, पौधे लगाओ रे, पानी देकर बाड़ लगा कर इनको बढ़ाओ रे। पानी देकर बाड़ लगा कर इनको बढ़ाओ रे, इनको बढ़ाओ रे, इनको बढ़ाओ रे। आज हम श्री
मास्टर देशराज जी से प्रेरित होकर अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएंगे। जय हिंद। ये जो पेड़ देख रहे हो, ये आज से 15 साल पहले खाली जगह पड़ी थी, तब हमने सब ने मिलके, हमारे असिस्टेंट थे साथ में और पिताजी ने यहाँ पौधा, ये आज बहुत बड़ा वृक्ष बन गया ये बड़, और 15 साल पहले लगाया था, लोगों को छाया दे रहा है। इसका पहले शुरू में गमला बनाया था, फिर इसकी बाड़ लगाई, फिर धीरे धीरे जब बड़ा हो गया तो भी पिताजी ने चौतरा बनवा दिया जी। इसका चौतरा बना हुआ है इस टाइम में, लोगों को यहाँ छाया, लोग बैठते हैं, मरीज भी आगे बैठ जाते हैं, लोग भी वैसे यहाँ वो छाया बैठते हैं, लोग यहाँ काम करते हैं, आसपास के मैकेनिक हैं। जब ये पेड़ लगाया था, आपको क्या बताऊं अमन जी, पिताजी जब आते थे ना तो पहले मतलब मेरे पास नहीं आते थे, पहले इस बड़के पेड़ के पास जाते थे, उसको देखते थे, मतलब उसको बच्चे की तरह पाला है, मतलब मेरी तो संभाल में तो इसकी मेरी कोई खास बात नहीं, बुलाइए तो बड़ा कर दिया, अपना कमा रहा है खा रहा है, कहते यो बड़ को बड़ा करना है, यो बच्चे की तरह है, इसको बच्चे की तरह पाला उन्होंने। आदरणीय देशराज जी ने जो ये बीड़ा उठा रखा है, अगर हजारों की संख्या में इस बीड़े को उनके साथ सहयोग करके, उनका समर्थन करके, उनके साथ लग जाए तो हमारे को एक सांस लेने में बहुत, वातावरण में एक, जीवन में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। उन्होंने जी मेरी याद में मेरे उसमें थाना बोवाणी खेड़ा में आज खड़े हैं, जहाँ इनमें सैकड़ों पौधे मास्टर जी ने लगाए हुए हैं। हमारे साथ में तहसील है बोवाणी खेड़ा की, इनों में भी उन्होंने पौधे लगाए हैं, और बोवाणी खेड़ा में जो हमारी जितनी भी संस्थाएँ हैं, चौक है या कहीं, एक में पीछे देखा था हमारा शुद्धी तालाब है, एक तीर्थ जोड़ है जहाँ बहुत बड़े माने हुए तालाब है, ये उन्होंने जाकर के उन्होंने वहाँ पे त्रिवेणी के पेड़ लगाए हैं, जैसे बड़, पीपल और नीम। आज वो बहुत ऊंचाई को छू रहे हैं, उनकी देखभाल करी, उनमें पानी डाला, उनमें खाद डाली, उनमें देख रख रखाव कराया, तो उन्होंने बहुत खुबात करी। आज पेड़ लगाते हैं, हम भी लगाते हैं और भी लगाते हैं, फोटो खिंचवाने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पानी डालता, खिंचवा लिया, और 10 दिन के बाद में पौधा भी नहीं पाता वहाँ। और उन्होंने उस पौधे को अपने खून पसीने से सींच करके ने भविष्य में एक कामयाब पौधा बनाया। आज कई पौधे तो मैंने खुद देखा था, 15 साल पहले मैं चेयरमैन था, उन्होंने बोवाणी खेड़ा में पौधे लगाए थे, 2-3-4 पौधे लगाए थे। आज उनको एक बेरी का पेड़ लगा था, ऐसे बढ़िया बेर उससे मतलब पैदा हो रहे हैं। एक अमरूद का पेड़ लगाया था उन्होंने, एक यहाँ बोवाणी खेड़ा बस अड्डे के पास में जामुन का पेड़ लगाया था, जो कि आते जाते लोग भी उसको फलदार पेड़ को, उसका फल का मजा ले रहे हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है, देशराज जी समय समय पर बोवाणी खेड़ा आते हैं, और देशराज जी ने काफ़ी कस्बे में काफ़ी जगह पे पौधे लगाए हैं, और हम उन्हें छोटे से देखने लगे थे कि वो बिल्कुल सादे विचार के हैं, सादा जीवन व्यतीत करते हैं, और जब हम कई बार देखते थे उन्हें कि वो पौधों की सेवा करते थे, लगाते ही लगाते नहीं थे, बल्कि उनकी पूरी उनको सुरक्षा भी देते थे, साथ में उनकी बाड़ करवाते थे, पानी देते थे, और उन पौधों को बड़ा करते। आज काफ़ी पौधे बड़े हो गए हैं, जिनके नीचे बच्चे खेलते हैं, कुछ लोग उसके नीचे बैठ के आराम करते हैं। उन्होंने थाना बोवाणी खेड़ा में, तहसील में काफ़ी जगह अच्छी काफ़ी स्थान हैं, जोड़ हैं, उनके ऊपर उन्होंने काफ़ी पौधे लगाए हैं। ये कौन सी जगह, इसका बताइए, उल्लेख कीजिए, और कितने पौधे यहाँ लगाए होंगे? ये थाना बोवाणी खेड़ा है, यहाँ पर उन्होंने लगभग 300-350 के करीब पौधे लगाए हैं, और इनकी काफ़ी देख रेख करी है। यहाँ पर पहले बिल्कुल शमशान सी जगह होती थी थाना होते हुए भी, और अब यहाँ पर काफ़ी हरियाली है, काफ़ी पंचायतें आती हैं थाने के अंदर, उन्हें बैठने के लिए स्थान नहीं था, अब इनके नीचे बैठ के ही लोग अपने पंचायती फैसले करते हैं। सुभाष जी, मास्टर देशराज जी और इस पेड़ के बारे में क्या बताना चाहोगे? मास्टर देशराज जी ने ये पेड़ लगाया था, और इसमें पानी मैंने डाला, बड़ा कर दिया, अभी छाया के लायक हो गया। बचपन से उनको शौक था पेड़ लगाने का, और आज भी इस उम्र में भी पेड़ लगा रहे हैं, और यहाँ जो हम नीम के पेड़ वगैरह देख रहे हैं, ये सब उन्हीं की देन है, उन्हीं ने लगाए हैं। और जब ये बीडीओ ऑफिस में खड़े हम बोवाणी खेड़ा में, और जहाँ ये पेड़ भी उन्होंने लगाए हुए हैं, जब ये पेड़ जवान हो गए, पहले उन्होंने पालन पोषण किया इनका, अब ये जवान हो गए तो उन्होंने और कहीं लगाने शुरू कर दिए। मैं जी यहाँ 15 साल पहले एक पड़ोसी की मौत हो गई थी, उस दाह संस्कार के साथ मैं भी आया, और यहाँ देखा, यहाँ बहुत
कम पौधे हैं और ज़्यादा जगह बहुत पड़ी है जहाँ पेड़ लगाने चाहिए, तो मैंने यहाँ पेड़ लगाने शुरू कर दिए और यहाँ अब काफ़ी हरियाली हो चुकी है और मैं और भी यहाँ पेड़ लगाऊंगा। मास्टर देशराज जी ने मनहाना गांव के अंदर एक अध्यापक के रूप में, JBT अध्यापक के रूप में काम शुरू किया और मास्टर देशराज जी पूरी तरह से अपनी ड्यूटी के साथ में न्याय करते थे। मैं भी उनके पास में प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ। प्राइमरी स्कूल में वो अध्यापक रहे, पूरा समय लगा करके वो बच्चों को पढ़ाते थे। स्कूल के टाइम के बाद भी वो कोई भी बच्चा उनसे किसी तरह की जानकारी लेना चाहता था, पढ़ना चाहता था, उसका भी वो पूरा ख्याल रखते थे। और गाँव के अंदर भी उन्होंने हमेशा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे। मास्टर देशराज जी ने सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने गांव के अंदर सामाजिक कार्यों में काफ़ी हिस्सा लिया, लेकिन उन्होंने अपना एक पूरा लक्ष्य ये निर्धारित करके पर्यावरण की शुद्धि के नाते से और गांव में उन्होंने एक संकल्प किया कि गांव को हरा भरा बनाऊं, और उसके नाते से उन्होंने गांव के अंदर पेड़ लगाने शुरू किए। और इस उम्र में भी वो लगभग अभी 80-85 साल की उम्र में है, इस उम्र में भी वो पेड़ लगाना, उनकी बाड़ करना, उनकी संभाल करना, उनमें पानी देना, इस प्रकार की चिंता करते हुए अब वो लगभग 5000 से ज़्यादा पेड़ लगा चुके हैं। और मैं किसी विषय को लेकर के गांव में जब गया तो मैंने उनसे, मास्टर जी से भी बात की और गांव के अंदर भी मैं गया, तो वो पेड़ वो जो उन्होंने लगाए हैं, केवल पेड़ नहीं लगाए बल्कि उनकी उसके बारे में हमेशा वो चिंता करते हैं, किस में पानी डालना है, किसको पशु ना खा गए हों, इस प्रकार की चिंता के साथ में मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के का जो सौपन है, प्रधानमंत्री जी ने जो पर्यावरण शुद्धि की बात की है, उन्होंने स्वच्छता की बात की है, पेड़ लगाओ की बात की है, उस लक्ष्य के अंदर देशराज, मास्टर देशराज जी ने बहुत बड़ा काम किया है। अमन जी, पिछले दिनों में जैसे आप जब आए थे यहाँ, आपने शूट किया था इस, ये पौधा जो आज एक बिल्कुल एक लकड़ी सी है, और क्यों है ये लकड़ी? यहाँ हमने पहले ट्री गार्ड लगाया था और हमारे पिताजी जो मास्टर देशराज जी पौधे लगाते रहते हैं, वो ट्री गार्ड लगाया, उसको कोई ठा ले गया। हम आज ये दोबारा से ट्री गार्ड लेके आए हैं बनवाने, आज इनको हम सीमेंट में पक्का सुनवाएंगे इसको, ताकि ये जो है ना पौधा सुरक्षित रह सके। मेरे फादर गांव में नाना में रहते हैं, क्योंकि वो बार बार के फ़ोन करते हैं, कहते हैं भाई उतना वो पेड़ संभाला पीपल का, उतना वो उसके ऊपर टी गार्ड लगवाया, उसके ऊपर तो हमने बाड़ करी। मैंने कहा आज फिर मैंने ये हमारे मिस्त्री जी हैं, इनको बुलाया, मैंने कहा भाई थोड़ा सा कोई बात को नहीं है, और ये जो भी है ये जो पिताजी ने कहा था वो काम आज हमने, मैंने कहा इसका पूरा करना है, ताकि ये पौधा सुरक्षित रह सके आने वाले टाइम में, छाया दे सके लोगों को, इसका फ़ायदा हो सके। कि पौधे इसलिए लगाते हैं, वो पौधा लगा के बड़ा कर रहे हैं बस, तक उसको सुनना नहीं, छोड़ना चाहते भी पौधा पड़ा को नहीं, उनकी आत्मा का दुख है। यदि वो कोई पौधा नहीं पड़ा ना तो बल्कि उनकी आत्मा दुखने लग जाती है, कहते हैं भाई देखो मेरे साथ मेरा पौधा तो लगा हुआ है पड़ा नहीं। ये चौतरा डॉक्टर जगदीश अरोड़ा ने अपने पिताजी के कहने पर बनवाया, पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए डॉक्टर जगदीश अरोड़ा के पिताजी देश मास्टर देशराज ने 4500 पेड़ लगा दिए हैं अब तक, जिसका में नीम, बड़े और पीपल हैं। इससे पेड़ की ग्रोथ अच्छी होगी और इसकी सुरक्षा भी होगी पेड़ की, यहाँ कोई आने जाने वाला बैठ सके, इसलिए बरसात का पानी इसका इसकी इसी के अंदर रहेगा। 2x2 का गोल या चौरस जो भी घेरा बनाएंगे हम इस पेड़ के हिसाब से, ताकि इसकी ग्रोथ बच जाए। यहाँ पर ये टी गार्ड लगाएंगे जी, इनको पक्का करेंगे। पहले लगाए थे वो कोई उठा ले गया, पेड़े भी तोड़ गया, पर्यावरण को भारी नुकसान है इन बुरी आदतों से। अमन जी, पिछले साल कुछ पिताजी ने पौधे लगाए थे,
और वो पौधे कुछ तो एक आध सूख ही गया और टी गार्ड भी लगाए थे तो टी गार्ड कोई उठा के ले गया। तो आज हम है ना ये नए टी गार्ड लेके आए हैं और वो आज ये बकायदा पक्की चिनाई कर रहे हैं इसकी, ताकि ये सीमेंटेड वगैरह कराए हैं थोड़ा सा, ताकि इसको कोई और उठा के ना ले जाए। चार पांच दिन से रोज़ यूँ कह रहे थे पिताजी भाई वो पेड़ वो पीपल का पेड़ सूख गया, वो पीपल का पेड़ सूख गया, तो अब इसकी सुरक्षा हो जाएगी, अगले साल आप आके देखना यहाँ ये हरा भरा मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा प्रत्यक्ष। ये तो हमारे पिताजी का मैं तो शुक्रिया कर रहा हूँ, भगवान उनकी लंबी उम्र करे, वो हम तो जो लास्ट मोमेंट तक मरने तक भी वो जो उस दिन पौधा लगाए, उनकी इच्छा अंतिम इच्छा भी यही है जिस दिन मैं मरूँ उस दिन पौधा लगा के मरूँ जी। ऐसा अमन जी ये चौतरा पिताजी ने 5 दिन से लगातार फ़ोन कर रहे थे, बेटा वो चौतरा बन गया, बेटा वो चौतरा बन गया, वो बड़ भी पहले पीपल पड़ गया था, कहीं ये बड़ पड़ नहीं जावे। मैंने आज फिर मिस्त्री को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई जो है ना वो लगा दे हमारा, ईंटें मंगवाई, कल ईंटें डल गई, आज कुरकेसर रेती वगैरह मंगवाई है, सीमेंट मंगवाई है, तो इसका ये चौतरा बन जाएगा, इसकी पेड़ की भी सुरक्षा हो जाएगी, आने वाले लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे, बैठेंगे, कोई विश्राम करेगा, ठंडी हवा खाएगा जी, यही फ़ायदा है जी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार से क्या चाहते हैं अरोड़ा जी? भई चाहते हैं हमें कोई ये नहीं चाहिए कि भाई हमें कोई इसको पैसा मिले, भई हम ये पौधा लगा रहे हैं खर्चा होता है, आप बताओ कितने एक एक गमले के ऊपर 5,000 रुपये भी पक्के सीमेंटेड गमले बना रखे हैं गौशाला में, तो कई जगह भी पिताजी ने शुरू शुरू में जब ये पौधा रोपण कार्य ये पर्यावरण के लिए किया था तब तो मतलब ईंटें जो है ईंटों से खुद चुनते थे, अब इनसे काम नहीं बनता, अब लेबर लगानी पड़ती है, तो हम ये नहीं चाहते कि पैसा दे हमारे को, पैसा पूछा नहीं चाहिए हमें इसकी भी, अब इसे हम ये जो इतना पर्यावरण में काम कर रहे हैं तो उनको और नहीं तो उनको प्रोत्साहन दिया जाए, उनको इसके लिए उनको सम्मानित किया जाए, राष्ट्रपति सम्मानित करे, प्रधानमंत्री सम्मानित करे, मुख्यमंत्री सम्मानित करे, ताकि आने वाले लोगों को शिक्षा मिले भी जो पर्यावरण के लिए भी मास्टर देशराज ने इतना कुछ कर दिया, भी हम भी दोनों एक शिक्षा मिलती है, उनका जिंदगी एक उद्देश्य रहा है कि जो पौधा लगाओ पाड़ो, उनका जिंदगी एक उद्देश्य रहा है कि जो पौधा लगाओ पाड़ो, उनका जिंदगी एक उद्देश्य रहा है कि जो पौधा लगाओ पाड़ो।